नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माँ बनना जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है दोस्तों, और ये सपना जब सच होने वाला होता है तो उससे पहले हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। खान पान हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, इस पे कई तरह के लोगों की कई तरह की बातों को सुनने को मिलता है। लोगों की बातों को छोड़िए और उन बातों को सुनिए जो डॉक्टर्स कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सब्जी और फल खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन ऐसे मौके पर गर्भवती महिलाएं पपीता और अनानास खाने से बचें। प्रोटीन और मिनरल्स से भरपूर कच्ची दूध सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था तक इसके शुरुआती दिनों में भूल से भी कच्चे दूध का सेवन न करें। ऐसे समय में उबला हुआ दूध का ही सेवन करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को माउल्ड और सॉफ्ट चीज नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसी चीज खाना चाहती हैं तो सुनिश्चित कर लें कि वह पाश्चराइज्ड दूध से बना हो। अगली बात कि शराब, स्मोकिंग गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास में काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों के सेवन से भी बचना चाहिए। जूस सेहत के लिए लाभकारी होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को ठेलों पर बिकने वाले जूस को पीने से बचना चाहिए, क्योंकि वह स्वच्छ तरीके से नहीं बनाया जाता। ऐसे समय में उन्हें घर का बना जूस ही पीना चाहिए। गर्भवती महिलाएं चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा मात्रा में न लें। इसके अलावा चॉकलेट के सेवन से भी उन्हें बचना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान विटामिन की अधिक मात्रा भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए डॉक्टर ने आपको जितना विटामिन खाने को कहा है उतना ही खाइए। गर्भवती महिलाएं कोशिश करें कि दुकान की मिठाई कम ही खाएं, इससे आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। लोग ताकत के लिए मांस का सेवन करते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि यही मांस जिसको वो पौष्टिक आहार समझते हैं बीमारियों का घर होती हैं। मेरी यह बात बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, परंतु यह सत्य है। इसलिए कभी भी भूल कर भी मांस, अंडा, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए सारे उपाय या समाधान बड़े बड़े वैद्यों और आयुर्वेदाचार्यों की लिखी गई रचनाओं से लिए गए हैं। आप इन्हें पूरे विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।